गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। एंड या वन थिंग मोर मिस्टर सिद्धू, डोंट कॉल मी कपू, दिस इज कैसी, मास्टर्स ब्रदर कैसी। एक्चुअली प्रीमियर फुटबॉल लीग शुरू होने वाला है, आपको पता है उसमें आईपीएल के जैसे टीम खरीदेंगे, और आपको पता हम तो बिकाऊ है। आपको पता है सिलेक्टर आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करने, और एक चीज हमारे में बड़ी कॉमन है, ना सिलेक्टर को हमारे बारे में कुछ पता है, ना हमें फुटबॉल के बारे में कुछ पता है। हालांकि फुटबॉलर बनना बड़ा आसान होता है, आपको पता है आपके बाल गलत कट जाए, समझो आपके अंदर एक फुटबॉलर है। और एक्चुअली मेरे को फुटबॉल का बड़ा कुछ पता है, फुटबॉल जो होता है ये बड़ा मूडी होता है। आपको पता है इसको पैर से खेलो तो फुटबॉल, हाथ से खेलो तो वॉलीबॉल, टोकरी लगा के खेलो तो बास्केटबॉल हो जाता है। आपको पता है फुटबॉल की डाइट अच्छी नहीं है तो छोटा रह जाता है, फिर उससे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, और अगर बोना रह जाए तो टेबल टेनिस। खैर कुछ भी हो बाजी, मैं हूं अपनी टीम का कैप्टन, कोई आया तो सही मेरे सामने, देखो मेरा फुटबॉल। रोनाल्डो, यस, जब पहले जाके अपने बाल धो। पहले कभी फुटबॉल खेला है? मैंने कल गली के लड़कों के साथ बहुत फुटबॉल खेला है, बड़ी देर तक चला है। अच्छा, कल जो शाम को खेल रहे थे? यस। और फुटबॉल नहीं था, आपको घसीट रहे थे पकड़ के वो? अच्छा, घसीटने में ऐसे जमीन पे लटा के इधर लेके जाते हैं, हाँ, फिर उधर लेके जाते हैं, अगर से शर्ट भी फट रही है तो फिर घसीट रहे थे लाइन। मैं भी कहूँ कि मेरा अगला मैच खेलने का मन क्यों नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपको सब याद है ना क्या क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, खिड़की से बाहर आदमी निकालना, कोई खाने पीने को दो तो वो लेना नहीं है। सामने वाले को मुंह पे उल्टी नहीं करनी। Exactly. मुंह पे फुटबॉल मारना आपको। ये सारी चीजें जो ट्रैवलिंग में करने वाली होती है। हाँ, तो ट्रैवलिंग करके जब स्टेडियम तक जाएंगे तो हाथ पैर तो सलामत होने चाहिए ना। तो हाथ कट भी जाए तो क्या है, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है। देखो, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है, पर जब गोल हो जाएगा सेलिब्रेशन तो हाथों से करना ना। ये करके कैसे होगा, देखो बताओ कैसे होगा। मुझे लगता है आपको दो चार हाथ इधर ही चाहिए आपको। जाओ जाके अंदर चले जाओ, जब सिलेक्टर आएगा मैं आवाज दूंगा तब आना, ऐसे इंप्रेशन पड़ता है। फिर एक काम करना, मुझे तीन बार आवाज देना, मेरा ट्रिपल इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है? हेलो, हाँ, ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? शांतिवन सोसाइटी से सीधा अंदर आ जाओ। आ गया, आगे आके आप राइट की तरफ लो। राइट की तरफ? हाँ, हाँ, मुड़ गया। उधर एक आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लो। भाई साहब, ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? मैं थप्पड़ मारना, तेरा दिखता नहीं फोन में बात कर रहा हूँ। हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई डिस्टर्ब कर रहा था। एक मिनट भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फोन पे आपसे ही बात कर रहा हूँ? आप दोनों सेम बातें क्यों कर रहे हैं, फोन वाला आदमी रहा। अरे ओहो, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आगे तो बात सुन लो। हेलो, हमारा हमारी बहुत जमने वाली है। कैसे? हमारे नेटवर्क कितने मिलते हैं देखो, भाई। अरे भाई साहब, तुम्हारी जमे या ना जमे, लेकिन मेरी प्लेयर्स और टीम के साथ जमनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ प्लेयर्स सिलेक्ट करने आया हूँ। अरे मुझे ले लो, मैं तो बचपन से फुटबॉल खेलता आया हूँ। लेकिन फुटबॉल तो इस साल शुरू हुआ है। और मैं तो जब बचपन में खेलने जाता था मेरे को सारे कहते थे फुटसाले फुटसाले। चलिए चलिए, अपनी टीम को बुलाइए इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। बुलाइए। आपको गुस्सा भी आता है? आता है। बुलाइए टीम को। हेलो शांतिवन टीम, अरे इन्होंने आवाज लड़ाई वाली लगाई थी, हमें लगा कि फाइट करनी है। यार मैंने तो सुना था कि आप लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल में। मुझे भी आप में इंटरेस्ट है मैडम। आपको पता, मैं ना जब अपने से कम हाइट वाले आदमी को देखता हूँ ना, मेरा ना मारपीट करने का दिल करता है। और मेरा उल्टा है, मैं जब भी कम हाइट वाली लड़की को देखता हूँ तो मेरे दिल में प्यार का उभार आता है। मेरी बेटी से फ्लर्ट करता है? मैं राम खोर ना तेरा। अरे मेरा फाइट करने का मन कर रहा है अभी। सॉरी 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 अंकल, सॉरी सॉरी। चलिए काम की बात करते हैं। राम खोर, अब तो मेरा मन करता तुझसे फाइट करने को। लेकिन मैंने आपसे तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो,
दोनों को छेड़ लिया, जब मेरी बारी आई तो काम की बात करते। देखिए आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए अम्मा। अरे यार क्या मजाक हो रहा है, चलिए फुटबॉल का सिलेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है चलो जी करो करो। फुटबॉल कहाँ है? लाइन बताइए। फुटबॉल कहाँ है? नानी फुटबॉल कहाँ है? चंदू फुटबॉल कहाँ है? सरला फुटबॉल कहाँ है? पापा फुटबॉल कहाँ है? ये तो चीटिंग हो गई, मेरे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है यार। आप लोग मार्केट से फुटबॉल भी नहीं ला सकते? So disgusting. मैं जा रहा हूँ। वाह बाबू वाह। अरे फुटबॉल तो कोई भी बाजार से खरीद सकता है, लेकिन उस फुटबॉल को खेलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो किसी बाजार में नहीं मिलता। हर मर्द उसको लेकर पैदा होता है। कोई भी फुटबॉलर माँ के पेट से फुटबॉलर नहीं चपता, उसको ये फुटबॉलर बनाता है ये सालिम समाज। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। योगी ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं हमें, लेकिन ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कभी कभी बड़े बड़े होटलों से भी छोटी छोटी बातें हो जाती है। मुझे नहीं लगता आप एक भी गेम जीत पाओगे, पहला ही गेम हार जाओगे। हार के जीतने वाली को भी बाजीगर। हेलो बाजीगर। ओ बाजीगर यार फुटबॉल ऐसे नहीं खेलते, फुटबॉल से मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत। हमने फुटबॉल से मोहब्बत नहीं, अय्याशी की है। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी तारीख को आऊंगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख क्यों? ओए! ये 2.5 किलो का हाथ है, ये हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। डरो भाई डरो, 1.5 किलो के आदमी 2.5 किलो की बात की है अभी। हेलो मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ तो एक भी प्लेयर नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ, मैं फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुड, आई क्वाइट लाइक योर डेडिकेशन। Would you like some medication? मैंने anesthesia का इंजेक्शन तेरे मुंह में डाल के तेरी जान ले लेनी है। अरे हमारी डेडिकेशन की तरफ आंख उठा के देखना, मैंने ऐसे तेरे को लिटा के ना ऐसे ऐसे तेरी ऐसे खुदाई करनी, मैंने फिर खजाना निकलेगा उसके बीच में। आप नेशनल टीम के सिलेक्टर को धमकी दे रहे हो? अच्छा तो क्या सिलेक्टर टीम के नेशनल को धमकी दे दे? ओ यार एक काम कीजिए, आप लोग आप लोग 2 मिनट और ले लीजिए, लेकिन प्लीज कुछ ऐसी बातें बोलिए जो समझ में आए। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ जी मांगने में ये बहुत आगे हैं, परसों ये किसी शादी में दूल्हे से घोड़ी के लिए चक्कर मांग रही थी। ये लो घोड़ी से लिफ्ट मांगी तो गधे को जलन होने लगी। अच्छा ये लो लकड़ी का छल्लू। देखो कोई फालतू बात निकलेगा, भूलो मत हम यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। ओके वो आप लोगों को याद है कि हम यहाँ फुटबॉल के लिए आए हैं? मुझे तो सब कुछ याद है बिल्कुल। चलो चलो फटाफट लाइन में लगाओ, फटाफट चलो, यहाँ से लाइन शुरू होगी, यहाँ से वाली है मेरी लाइन, यहाँ से मेरी लाइन, यहाँ से लाइन शुरू होगी, मैं अपनी लाइन में मेरे बनाने दो। सबसे पहले फुटसल सॉन्ग बजेगा, चलिए शुरू करते हैं गेम मेरे हिसाब से, ठीक है? चलो 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 कॉर्नर पे चलो। कॉर्नर कॉर्नर अभी नहीं है, जब फाउल होते हैं तब कॉर्नर जाते हैं। चलो तो सही फाउल कर लेते हैं। तुम लोग प्लीज इतना मजाक मत करो, लेट्स स्टार्ट द गेम। हाँ बस तुमको तो गेम खेलने का बहाना चाहिए ना, किसी को इसको समझाना चाहिए। और मुझे नाइट के लिए पजामा चाहिए। और इसे यहाँ से हटाना चाहिए। मुझे लगता है आपको भी इसके साथ जाना चाहिए। नहाना चाहिए। मुझे आपकी फुटबॉल की जानकारी पे शक हो रहा है। देखिए आपकी राइमिंग गलत हो गई। चाहिए नहीं आया एंड में। कविता बनी नहीं पूरी। हाँ। आना चाहिए, गाना चाहिए, रहना चाहिए, माना चाहिए। शट अप। पहले मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा, मुझे आप बताएं आप पेले के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कल ही 8 भटूरे पहले। मैंने चने के साथ पहले, फिर 2 मैंने वो भी चने के साथ पहले, बहुत मजा आया। ये शराब, ये क्या है यार, ये चने पहले, चने पहले क्या बोल रहे हो? एक मिनट भाई साहब, चने गोल, भटूरा गोल, फुटबॉल गोल, गोल भी गोल, फुटबॉलर का एक ही गोल, दे दिनादन गोल, मिलके बोल।
आप जैसे लोगों की वजह से ना फुटबॉल की तरक्की नहीं हो रही है। आप गोल झोल होना चाहिए था। इनका बात बुरा मत मान लो, आप हमारा टेस्ट शुरू करो, हम संभाल लेंगे। गोली किधर है? देखिए इधर है गोली। इस बार राइमिंग आपकी ठीक है, सवाल गलत है। गोली नहीं, ये पूछना है होली कब है, कब है होली? सुअर के बच्चों, ये सही बोला आपने, कितना अच्छा बोला इसने। अरे यार गोली मतलब जो फुटबॉल रोकता है वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं, हम किसी की प्रगति पर बाधा नहीं बनते। कोई इतनी मेहनत से आगे आ रहा है, हम क्यों रोके? हमारे बाबा ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। ए ऑरेंज कैंडी चुप कर पीछा। आप मान लो कि ये फुटबॉल लेके आपकी तरफ आ रही है जी, तो आप इसे कैसे रोकेंगे? मेरा दिमाग खराब है, मैं रोकूंगा इसको? मैं तो ऐसे ऐसे स्वागत करूंगा। ये आकर तो दिखाई की टांगे ना तोड़ देनी है मैंने। मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहना देता हूँ, लाल पहनेंगे कि हरी? बताइए। किसी माइकल लाल में इतनी जरूरत नहीं है जो उसको चूड़ियां बनाए। अरे यार बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। चलिए अब आप खेल होगा, हाँ गेम खेलेंगे, जो गोल करेगा वो सिलेक्ट होगा। ओके चलिए आइए चंदू, अरे दो टीम हो जाए, चले चलिए। एक मिनट, सबसे पहले सिर्फ दो कैप्टन आए, उससे भी पहले बॉल आए, आपको क्या लगता है? फुटबॉल कहाँ है? हाँ। पापा बॉल, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बॉल लेकर गए थे? बाथरूम में पड़ी है, लेने थी बॉल। हेयर इज द बॉय। ओके चलो 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 चलिए। यू लाइक इट? लाइक यू माय बॉय, यू आर गुड। आपको ये कैसे खेलना शुरू बताओ। चलिए सेंटर में करते हैं, चलो। व्हाट अ बिजी डे। मैं सबसे पहले, व्हाट अ बिजी डे, आई विल गिव यू काउंट 1 2 3 एंड स्टार्ट, उसके बाद ही किक मारनी। ओके ठीक है, रेडी रेडी, यू स्टार्ट द बॉय। ओके 1, व्हाट अ बिजी डे, 2, या 3 एंड गोल 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 गोल। फाउल जी, आपको मिलता है येलो कार्ड। आपने मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले किक मारी है, येलो कार्ड। हाउ स्वीट, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, येलो कार्ड। थैंक यू। अरे इनको येलो कार्ड मिल गया, को येलो कार्ड मिल गया। चलिए फिर से शुरू कीजिए, बॉल लाइए, लास्ट चांस। ओके आई विल गिव यू काउंट, नाउ इट्स योर टर्न। 1 2 सुनाई नहीं देता क्या? डॉक्टर को खुद का इलाज तो करो यार। क्या किया मैंने? जब बोला 1 2 3 और स्टार्ट के बाद मारनी है किक, तो पहले क्यों मार दी? पहले जब मैंने मारी तो ऐसे क्या होगा? येलो कार्ड, आपको 2 येलो कार्ड। मैंने मारी, ये भी कार्ड, ये दोनों कार्ड रखो आप। कार्ड मेरे को भी मिला है। अरे यार लेकिन इसमें डिनर का टाइम तो लिखा ही नहीं है। दो कार्ड मैं कभी येलो कार्ड मिला है क्या है यार? लेकिन इसमें सर डिनर का टाइम तो लिखा नहीं है, ये हाइट ही है। चलिए 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 चलिए, लास्ट चांस, बोल दीजिए। एक मिनट, मुझे पहले अपनी टीम से सलाह करनी है। हाँ ठीक है, कर लीजिए, 2 मिनट्स टाइम, कम ऑन। ओके मेरी हो गई सलाह, रेडी? वो कह रहे हैं जैसे तुम बड़ा भाई जैसे करा करो। ओके चलिए आई विल गिव द काउंट अगेन, 1 2 3 1 सेकंड, वो पर्दे आपको कोई आया? वो सामने झंडा, ये वो थे वो, चलो कोई नहीं, उड़ गया उड़ गया, चलो खेल खेल करते हैं। चलिए 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 चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। हे 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 वाओ, हे वाओ, हे बॉल गिरा ही नहीं। सुपर, क्या सफाई से गोल किया है आपने। अभी तक बॉल हवा में है, देखो देखिए। ये पैर की सफाई नहीं है, ये हाथ की सफाई है। ये चोर चक्कों को पता होता है, आपको नहीं पता। इसको वापस बुलाइए, ऐसे ऐसे बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस। एक्सक्यूज मी, आप आइए जरा। नहीं मैं इधर ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप आइए, एक एक आइए। साथ आ रही है फुटबॉल, ठीक है? चीजेंगे, चीजेंगे।
ये लास्टिक लगाया हुआ नीचे, ये देखो आप, ये कौन लगा गया है? कौन लगा गया? फाउल फाउल फाउल। नहीं नहीं, ये मैच कैंसिल हो जाएगा, ये आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये क्या तरीका है? मेरी सिलेक्शन हो जाती, तेरा कुछ जाता क्या डॉक्टर? जब मैं सिलेक्ट नहीं, अभी मैं तुमको थोड़ी सिलेक्ट होने देता। कोई बात नहीं, देख लेंगे, देख लेते हैं। और भी बातें होती रहती सोसाइटी में, देख लूंगा आपको मैं। हां जा जा, देख लूंगा मैं, थूकता हूं। इतना बकवास मोहल्ला, इतने बेकार लोग मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। क्या जी, आपने कभी सुरों से बात की है ना? कभी सरगम के रूबरू हुए हैं आप? कभी संगीत को किसी इंसान की बॉडी के रूप में देखा है? पाजी, आज मैं जिस शख्सियत को यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसे ही हैं। उनका नाम ही अपने आप में उनकी पहचान है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मिस्टर ए.आर. रहमान। रहमान सर, यस सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी एंड फीलिंग ऑनर टू हैव यू ऑन अवर शो। थैंक यू सो मच सर। सिद्धू सर, यू वांट टू से समथिंग? दुनिया का हर तख्त और ताज जिस पे न्यौछावर है, ये सुर सांस आवाज से भरी हुई अमृत की गागर है, जिसकी शोहरत ही कामयाबी की जमानत हो, सुर का हर दरिया जिसमें मिले ये संगीत का वो महासागर है। वाह, so you understand what he said? Kind of. he said too much. Okay. So what I mean is, sir, yes sir, that places don't grace men, men grace the places. आपके यहाँ आने से इस शो की गरिमा, इसका गौरव 50 गुना बढ़ गया। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा बाजी। रहमान सर जब 25 साल के थे तब इन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म रंगीला का म्यूजिक दिया था, और उसके साथ ही इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की परिभाषा को बदल दिया। उसके बाद ये रोजा, साथिया, बॉम्बे, गुरु लगान, रंग दे बसंती और रॉकस्टार जैसी ना जाने कितनी फिल्मों में अपना बेहतरीन संगीत दे चुके हैं, और बदले में 150-200 अवार्ड भी ले चुके बाजी। नहीं कपिल, पर जब इन्होंने ऑस्कर हिंदुस्तान में लेके आया, मेरा मन गुनगुनाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है रहमान सर, आपका हमारे शो में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इट्स रियली ऑनर। यू नो, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे नेवर केम टू माय शो। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन टीवी, बट दे नेवर केम टू माय शो। सो वन ऑफ देम इज सिटिंग देयर, दैट गाय विद अ स्मॉल फेस विद लॉन्ग मुस्टैचेस, ही नेवर केम टू माय शो। यू कैन से ही इज सेल्फिश, बट ही स्पेशली केम फॉर यू। थैंक्स फॉर कमिंग। बचपन में मुझे इसने एक बार कहा था कि मैं आपको ए.आर. रहमान से मिलवाऊंगा। Now see his face. You selfish. Rehman sir, please have a seat. Please make this sofa more expensive. Rehman sir, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि रहमान सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले बाजी। सन 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए इनको 2009 में ऑस्कर भी दिया गया। तो सर, यू आर बिजी टू गेटिंग योर अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। आई मीन, यू नीड 25-28 डेज टू रिसीव योर अवार्ड्स। सो व्हेन यू मेक योर म्यूजिक, आवर नॉर्मल
common man's day, we only have 24 hours. So how many hours you have in your day? I do less movies, so I got a lot of time to do music. So we heard that you work in night only. Yes, like now. But actually, हमारा ये मानना था कि आज काम नहीं करवाना, बहुत काम करते हैं, आज इनको relax feel करवाना है. Do you think you are working, sir? In a way. So you sing very well, right? No, sir. Yeah. It's a rumor. I heard you sing very well, very beautifully. Yeah, sing some Kabir or something. Heer. Sir, you made me nervous. No, you don't. Actually, I always sing in front of Sidhu, sir. I can't sing in front of you. Because he thinks it's a harmonium. You really want me to sing, sir? Yeah. पंजाब का फोक जो है हीर ये वारिस शाह जी का लिखा गया है और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट सर. तो सर जब आपने ऑस्कर ग्रहण किया, जब ऑस्कर एक फीट की दूरी पे था आपसे, जब यू वर अबाउट टू विन ऑस्कर, हैड यू एवर थॉट यू विल गेट ए चांस टू कम ऑन माई शो? नो, I'm so lucky. Because I think in this very, very cruel world, you make people laugh and forget all their worries. So you're doing a great job. Thank you, sir. अरे सर, आपने कभी सोचा हो ना हो, हमने सोच लिया था कि अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो हम रहमान सर को अपने शो में जरूर बुलाएंगे. और देखिए, आज भगवान ने हमारी सुन भी ली है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं. अरे सर, देयर आर सो मेनी र्यूमर्स आउटसाइड कि आपने अपने अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग से घर खरीदा हुआ है. इज इट ट्रू? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप योर अवार्ड्स. इट्स नॉट ट्रू सर? नो. ओके, मस्ट बी र्यूमर्स. रहमान सर का पैशन है म्यूजिक और ये उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं. हाल ही में बाजी एक लेजेंड फुटबॉल प्लेयर जो हैं पेले, उनके ऊपर एक फिल्म बनी और उसके इंडिया प्रीमियर के लिए रहमान साहब की तरफ से इनविटेशन आए सबको. सो सर, आप डू यू लाइक फुटबॉल? या. सो हैव यू एवर प्लेड इन योर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम? नो. सर, ये इतना टैलेंट आपके पास कहां से आता है कि एक बंदा 8-10 लाइनों में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देते हैं? यस. नो. Better to say yes or no rather than getting caught. Like Salman. ये निशानी है गुरु लोगों की. अच्छा, आपको पता है भाई, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही ये. इन्होंने हाल ही में एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है फुटसॉल. तो इसमें उन्होंने विराट कोहली से रैप गवाया. Am I right, sir? So आपने विराट कोहली से रैप क्यों गवाया? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते वो? So विराट कोहली इज द एम्बेसडर फॉर फुटसॉल. ओके, इंडिया. सो I found it a very interesting idea to when they suggested that why don't we make Virat Kohli sing, and he's a very talented guy. No doubt. Full of energy, full of energy, very positive attitude, and he sings in tune and tempo. So. क्या बात है यार, कितने talent है हमारे भारत में, but बड़ी बात है. So आज हमारे साथ Premier Futsal के जो president हैं वो भी मौजूद हैं, Mr. Namdev sir, welcome. So आप हमारे दर्शकों को बताएंगे Futsal है क्या basically? Futsal is sports which is played in indoor. It's a five-a-side smaller version and fastest version of football. And how it's faster than normal football? Because there is no offside in this. In general, football there is a offside. So in futsal there is no offside at all. Okay. So it's a faster. You can free to run and you can score a goal. And the entire goal size and the entire फील्ड साइज इज स्मॉल, 40x20 मीटर का ये पूरा फील्ड होता है और इंडोर खेला जाता है फुटबॉल प्लेन सरफेस पे, वुडन सरफेस. सर, आपको हिंदी आती? मैं इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा हूँ समझने के लिए कि आप बोल कर रहे हैं कि ये नॉर्मल फुटबॉल जो होता है 90 मिनट का जो मैच होता है ये उससे अलग है? यस. उससे भी फास्ट है? यस. तो सर, उसमें ही धुआं निकल जाता है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें भी धुआं निकल. दिस इज ये जो फुटबॉल का जन्म है वो साउथ अमेरिका में 1930 में हुआ है और ये आज पूरे
वर्ल्ड में खेला जाता है और ये युवाओं का खेल माना जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चुस्ती पुरसी मिलती है और हिंदुस्तान में अगर ये निश्चित रूप से डेवलप होगा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हम हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले समय में वर्ल्ड कप तथा विविध इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम भेजेंगे। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर आप और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फैन हैं। तो ये व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं, बट जब आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट ए चांस टू कम ऑन माई शो? रहमान सर बहुत शाही नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा, कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया है, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। वेरी रोमांटिक। वेरी रोमांटिक, सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक? यस। हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं। इज देयर एनी गर्ल हु वांट्स टू रोमांस विद ए रहमान? मैं यहां हूं। ईद मुबारक तो कह दिया आपने, लेकिन भूल गए ईद मिलते कैसे है? आइए ईद मिलिए। नो टचिंग, नो टचिंग, नो टचिंग। मौसिकी के शहंशाह को बेगम लच्ची का प्यार भरा आदाब। आदाब, आदाब। आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं। हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए। आपका वो वाला गाना है ना, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया उन्होंने, मसकली मसकली चल हटक बटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़े देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूँ जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया, ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूँ। चले गए? मैं इधर आ गया। ओह, बच गई। मैं ये कह रही थी जी, आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं अभी बताती हूँ। काय पुंडरू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा, ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। कुछ भी नहीं है रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है, ये देखिए तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं, ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है।
आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या? इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर हर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं, आंखों में पानी है छल का जाम नहीं, एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। आशुतोष गवारीकर सर की तकरीबन सारी फिल्मों में रहमान साहब ने, तकरीबन नहीं मेरे ख्याल से सारी फिल्मों का म्यूजिक रहमान साहब ने किया है। पहले लगान आई, उसके बाद जोधा अकबर आई, और अब उनकी फिल्म आ रही है मोहनजोदारो। सर लगान एक पीरियड फिल्म थी बिफोर 47, उसके बाद जोधा अकबर जो थोड़ा और उससे पहले की थी, अब जो म्यूजिक कर रहे हैं ये धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मोहनजोदारो लाइक उस समय का तो कुछ है ही नहीं, तो सर रेफरेंस कैसे आएगी आपको, कैसे लगा कि मोहनजोदारो में ऐसा म्यूजिक होना चाहिए? आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। वी लुक्ड एट लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एंड एक्सकवेशंस एंड देन इमेजिन्ड अ साउंड व्हिच कुड हैव बीन एन इंस्ट्रूमेंट और वॉइसेस और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, रीड इंस्ट्रूमेंट। सो वी जस्ट यूज्ड आवर इमेजिनेशन एंड दैट फाउंड अ बैलेंस इन दैट। कैन वी सर अ लिटिल बिट फ्रॉम मोहनजोदारो? Sure. So please, हमारे म्यूजिशियन साथी जो है, superb. मोहिनी, can I ask you one question, please? Tell me one thing. The guitar is bigger than you, but you are great. So, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? या प्लीज। पहले बताती, मैं इतना मुश्किल हो रहा है। मोहिनी, मोहिनी एक बात बताओ, इतनी छोटी सी एज में आप इतना, मतलब इतने महान लोगों के साथ आप संगत कर रही हैं, कितने साल हो गए आपको बेस गिटार प्ले करते हुए? I started learning at the age of 3 when I was 3 I started learning from my dad. Okay. And professionally काम करना शुरू किया जब I was 10. So it's been 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल हो गई? Yeah, I started working with a lot of musicians when I was 10. So yeah. It's been 10 years I've been in this industry. So बहाने-बहाने से आपने बता दिया कि you are 20 years old. Yeah. But you are great, Mohini. No, thanks for coming here. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. हमारे सैक्सोफोन पे जो खड़े हैं उस्ताद लोग, उस्ताद जी आज म्यूजिक का माहौल है तो कुछ भी जुगलबंदी हो जाए जो आपका दिल करे। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। सर एक रोजा फिल्म का गाना है ए हसीं वादियां, हरिहरन साहब का गाया हुआ है। सर मैं गा लूं 2 मिनट? भाजी एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना रहमान साहब की किसी इंटरव्यू में कि ये अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उस ज्योतिषी ने बचपन में इनकी कुंडली देख के कहा था कि ये लड़का जीनियस है, ये बहुत कुछ करेगा। सर कैन यू प्लीज टेल अस, उन्होंने और क्या कहा था आपके बारे में या आप क्या करोगे आगे चल के? माय मदर एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वेंट टू आस्क अबाउट माय सिस्टर वेदर शी विल गेट मैरिड एंड ऑल स्टफ एंड या ही डिडंट से दैट आई एम गोइंग टू कम टू कपल्स शो।
Oh, I wish he had said that. What a kuchi kuchi rakmade. Music legend Mr. A.R. Rahman. I am Dr. Mashur Gulati, BPBK WID. What is your degree? Degree is bansuri pe bhi bhangra dalne wala doctor. I can dance on a bansuri bhangra because music is in my blood. Rahman sahab, dekho, what a coincidence. Uske baad hum ab jaake mile. Kiske baad? Uske baad? Kiske baad? अपना जब रहमान साहब ऑस्कर लेने जा रहे थे जी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो सामने हजार लोग खड़े हुए थे उनमें मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था लोगों के पांव के नीचे आया हुआ था. अच्छा, why are you standing, doctor sir? Please, please. That's what I'm doing. Come sit there, na. नीचे. ऐसे कौन बिठाता यार? आपको क्या लग रहा है मैं आपका अपने सोफे बिठाऊंगा आपको? इतने बड़े लेजेंड आए हैं क्या बाल खिले सर पे खरगोश रख के आ गए? काम की बात करो, बैठ के बात करो ना. डॉक्टर ये फेक है. तुमने ज्यादा बोलो मत. डॉक्टर ये फेक है, मेरा बहुत ज्यादा नाम है मेरा. लोग कहते भी डॉक्टर भगवान का रूप होता है. मैंने कहा नहीं, पेशेंट भगवान का रूप होता है. क्योंकि जो पेशेंट होता है ना उसी से हमारी इनकम आती है, अदरवाइज हम कहाँ सर्वाइव करेंगे. पेशेंट इज मेन. I tell you one incident, but I won't take the name of the lady. She was from Singapore. नहीं तो सुषमा की बदनामी हो जाएगी. तो मैंने तो you know that lady, उसके साथ मेरा दिल लग गया. Patient थी तो love वगैरह we started and all that. She fell in love with you. Very much. And she said, doctor, let's get married. मैंने कहा ओके, बट उसके हस्बैंड को ये आइडिया पसंद नहीं आया. इट डिड नॉट हैपन. उसके हस्बैंड ने क्या बोला फिर आपको? उसने मुझे बोला तो चलता है, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं. उसने ना मेरे को जमीन पे लेटा के ना ऐसे राइड दिया उसने मेरे को. ही गिव मी अ राइड लाइक दैट. दैट इज नॉट राइड, दैट इज मार पीट घसीटा ऐसे पकड़ के. अच्छा, उसमें ऐसे बाल पकड़ के जो जमीन पे लेटा देते हैं. हाँ. फिर ऐसे ऐसे करके घसीटते हैं. हाँ. मुंह के ऊपर जूता रख लेते हैं ऐसे. हाँ. फिर उसने मारा पीटा था. योर राइट. मेरे को लगा यू राइड. आई कैन नॉट फॉरगेट माई प्रोफेशन एज अ डॉक्टर. मिस्टर रहमान, आई विल डू योर म्यूजिकल नोट टेस्ट. रहमान साहब के हाई नोट सुन लिए ना आपने, आप उड़ जाओगे. मैं कह रहा हूँ मैं उड़ जाऊंगा. हाँ, लाइक ए डायमंड इन द स्काई. यस. आई टेक योर लीव मिस्टर रहमान. आई हैव टू गो because I have a busy day. I have to see patients also. Khajur! Khajur! I will not spare part him today. Khajur! ये आप चलते शो में कैसे घुस रही आप? Oh my God! Introduction please. रहमान सर ये टीचर है, हमारे बगल में एक स्कूल है. शी इज अ टीचर. यहाँ पर एक मुर्गा आया है टी स्कूल से भागकर. कहाँ छिपा तो कहाँ है. लेट मी या ये रहा. यू जस्ट शट अप एंड सिट अप. ओके, तुमने मुर्गा बनाया था ना, तुम खड़े कैसे हो गए? मैडम वो आपका इलाका था और ये मेरा इलाका है. और अपने इलाके में तो मुर्गे भी शेर होते हैं. अच्छा आगे गुरु ठोको ताली खड़े. See, look at this kid, sir. Look at this kid. मतलब सर जैसे म्यूजिक क्लास शुरू करो ना इसको बाथरूम आ जाता है. सर मैं इसको हारमोनियम सिखा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 months. इसको एक भी नोट बजाना नहीं आया अभी तक. कौन सा हारमोनियम सिखा रही हो जब देखो उसमें हवा भरती रहती हो. और हारमोनियम भी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, एक ही ब्लैक एक ही सफेद. अरे रंग बिरंग हारमोनियम लाओ ना. सी सी आई विल ब्रेक योर विटामिन सी. इतना डरती है. एक दिन उन्होंने मुझे बांसुरी दी बजाने के लिए. अरे बजाओ तो बजाओ कैसे, उसमें इतने छेद थे कि मेरे सारे हवा निकल गए. देखा रहमान सर एक गरीबी के कारण कैसी टीचर से पढ़ना पड़ रहा है.
कुछ इमोशनल बात है. फॉर यू कैन इंफॉर्मेशन, मेरे मैम के इलाज के लिए कुछ चंदे दे दीजिए. कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड है. इसे क्या समझ आएगा, एक नंबर का गधा एक खजूर. ये जो तुमने मेरे इलाज की बात की है ना, नाउ यू विल सी आई रेन माई एंगर. कहाँ गया, क्या हो गया आपको, क्या आप इतना भयंकर रूप ले गए आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ है? हुआ क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू. मेरी मौसी को लड़का हुआ है, मेरे पड़ोस में गाय को बछड़ा हुआ है, इलाहाबाद में दंगा हुआ है, जलंधर में पंगा हुआ है. अरे सब कुछ आपको मुझसे पूछना है? दो रुपए का अखबार लेके पढ़ नहीं सकते आप? हाँ. Oh, how can I forget that? Beggars can't buy happiness. Sir, can I join your music team as a lyricist? म्यूजिक के बारे में बताओ, आपको कितने सुर होते हैं? सर सब पता है मुझे, सारे गाधा नीसा, सारे गाधा नीसा, सारे गामा. मापा किधर गए? मापा तो फिल्म देखने गए है ना. सर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग सर, एवरीवन नोज दैट यू आर अ मास्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सर व्हाई इज दिस रेसिज्म, व्हाई इज दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन तबला? वन इज बिग एंड वन इज स्मॉल. सर द स्मॉल वन needs to grow up. Sir, he is little. That's why every tabla player is beating him and beating him and beating him. He can't say anything. That's why, sir. Sir, आपको इतनी बातें करी तो आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? Yes, yes. Thank you so much, sir. Sir, why we apply talcum powder on tabla? Do he have khujli or fancy fora kind of thing? Sir, I know. I'm not a tabla player. Sir, वैसे you know one thing. I don't want answer. I just want to sing one song with you. Please sing. आपको गाना आता है? आता. अरे मुझे तो इतना ज़्यादा आता है कि मैं तो song का present tense है ना, उसे बिना tension के past tense में कर देती हूँ. वो जो लुका छुपी गाना था ना? जी. बहुत ही बेहतरीन composer ने composed. जी, लता जी ने गाया है वो गाना. Actually beautiful. Amazing. आज मेरी exit ऐसे नहीं करा रही. Very creative. जोरदार ताली होनी चाहिए यार. Sir, on my request, sir, can I sing one or two lines to do it with you, sir? My life will suffer. Please, sir. Maybe in next genom I won't be human. I'll be lizard. Please, sir. Next show. Next show? I think he's indirectly saying that he's gonna come again. Oh, yes. सफल. डिमांड बढ़ती जा रही है. गुड जॉब सुगंधा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. मेरे स्टूडेंट्स आ गए हैं, मुझे जाना है. थैंक यू. एक बार रहमान साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए. रहमान साहब, हमारे शो में एक रवायत है, बिकॉज आपको भी बहुत कम मौका मिलता है और आपके फैंस को तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता है आपसे रूबरू बात करने का. सो आपके कुछ फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं. जी सर. मुझे आपके साथ आज परफॉर्म करना है एआर रहमान सर के सामने, उनके बहुत बड़ा मैं फैन हूँ. तो आपको एआर रहमान सर के साथ परफॉर्म करना है? आपके साथ. मेरे साथ शायद उनके नेक्स्ट मूवी में आपको मौका मिल जाए गाने का. अच्छा, इन्होंने मजाक में कहा, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ. सर कैन आई रिवील दैट? Sure. रहमान सर ने भी ब्रेक में मुझसे कहा कि यू वांट टू सिंग सॉन्ग. मैं कहा यस, कहते ओके, आई विल मेक यू सिंग. सो सर नाउ यू हैव टू मेक मी सिंग. डेफिनेटली पंजाबी सॉन्ग. पंजाबी सॉन्ग. लिसन. हेलो. एक मिनट सर. मेरे को गाना मिल गया, मेरे जो तेरी बात नहीं सुननी. मैं रहमान का सिंगर हूँ. अच्छा सॉरी या प्लीज. हाँ, ए आर रहमान सर को तो मैंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सपीरियंस करते हुए देखा है. जी. और बेसिकली आई डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट. ओके. बट मेरे माउथ से मैं बीट निकाल सकता हूँ और आई कैन प्ले ओवर देयर. अच्छा सुपर. ग्रेट जॉब. गुड लक. वेल डन यार. रहमान साहब,
आप हमारे शो में आए और जैसे सिद्धू भाई ने कहा, आज वाकई आपने अपनी प्रेजेंस से हमारे शो का स्तर बढ़ा दिया है सर। जोरदार तालियां हो जाए रहमान साहब के लिए। आइए सर। थैंक यू सो मच।